यानी एक एक दो तीन पाँच छ, एक दो तीन पाँच छ, इस तरीके से कहेंगे। ओके, एक दो तीन पाँच छ, एक दो तीन पाँच छ, एक दो तीन पाँच छ। ओके, इस तरीके से हम साथ में ये आज मेडिटेशन करेंगे और आंखें बंद करके हम इसी श्वास के साथ रहेंगे और फिर देखिए कि कैसे आप ये अपने घर में भी या बाकी समय भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आपको क्या अनुभव होता है वो हम देखेंगे, उसके बाद में आगे का भी देखेंगे। ओके, सबको समझना है आपको, एक इधर म्यूजिक चलता रहेगा जिसमें ऐसे आवाज होगा, तो इस तरीके से देख लीजिए कैसा आवाज है ये। कंठ से आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, छोड़िए लीजिए, एक दो तीन छोड़िए। और पूरा श्वास छोड़ना है, नॉर्मली पूरा ब्रीदिंग नहीं करते हैं तो इधर हम पूरा ब्रीदिंग कर सकते हैं, इधर इस तरीके से ये हम ब्रीदिंग करेंगे। आंखें बंद करके इसके साथ रहिए, इसके साथ श्वास श्वास करिए, आंखें बंद करिए सब साथ में, जी।
आहिस्ता से आगे बढ़िए, अपने पहले हाथ एक दूसरे पर मसाज करिए और अपनी आंखों पर रखिए और फिर आंखें खोलिए आहिस्ता से। हमेशा भी आप जब भी श्वासोच्छ्वास करते हैं तो देखिए इस स्पीड में या इस रेशो में आप ब्रीदिंग करेंगे तो आपका उम्र जो है लंबी उम्र आपको लगेगा। तो ये बहुत ही साइंटिफिक ब्रीदिंग है और ये जो है ये तावड़िया जी करके गुजरात में एक बहुत महान संत महापुरुष होके गए, उन्होंने ये टेक्निक बहुत संशोधन करके ये खोज निकाली है और गुजरात में गाँव गाँव में ये थ्री और इस तरीके से ब्रीदिंग लोग करते हैं और इससे बहुत फायदे होते हैं। आपने भी कभी कुछ अनुभव किया होगा, किसने कुछ अनुभव किया ये ब्रीदिंग करने से? Anybody would like to share? Yes, आपको कैसे लगा? हाँ जी, प्राणस, प्राण, प्राण आपने अनुभव किया कि अंदर वो एक हो रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वाइब्रेशंस अंदर से आपने अनुभव किया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इससे मन शांति तो जरूर रहती है। हमारा जो भी यू नो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, मेमोरी बढ़ाना है, तो इसके लिए भी ये बहुत मदद करेगा और अवेयरनेस अपना बढ़ेगा। आप यदि श्वास के साथ अवेयरनेस में हैं तो आपका पूरा जीवन जो है वो भी आपके कंट्रोल में रहेगा, आपका मन आपके कंट्रोल में रहेगा। श्वास का और मन का एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है। जब भी हम गुस्सा होते हैं, तनाव में होते हैं, तो हमारा श्वास कैसे होता है? फास्ट होता है या स्लो होता है? फास्ट होता है, तेज होता है। तो ये श्वास के साथ आप रहने से, जब भी आपको यदि गुस्सा आता है, तनाव आता है, तो आप ये श्वास के साथ रहिए और इस तरीके से ये जो मेडिटेशन है आंखें खोल के भी आप कर सकते हैं। अभी आप बैठे हैं तो भी आप देखिए कि आपके लय, ये जो लय है, ये जो स्पीड है, इस स्पीड के साथ या इस रेशियो के साथ आप ब्रीदिंग करिए। मैं जब भी रात को सोता हूँ तो जो घड़ी की टिक टिक आवाज़ आती है रात को पूरा शांति में, तो उसके साथ मैं ये ब्रीदिंग करता हूँ 3 और 2। नेचुरली अपना जो ब्रीदिंग का स्पीड स्लो होकर हमारा जो आयु है वो लंबा हो सकता है। अभी मैं आपको और एक ऐसे ही एक ब्रीदिंग टेक्निक सिखाऊंगा जिससे यदि आपको हार्ट प्रॉब्लम होने वाला है तो वो नहीं होगा, या यदि हो रहा है या किसी को बाईपास सर्जरी भी बोली है तो उन लोगों का बाईपास सर्जरी भी 60% चांसेस है कि आपकी बाईपास सर्जरी को भी बाईपास करने को आपको मौका मिलेगा। गुजरात में ऐसे 500 लोगों के ऊपर ये किया गया, ये जो क्रिया जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, ये क्रिया उन्होंने सुबह दोपहर शाम करनी थी, एक एक मिनट की है, एक मिनट की क्रिया है और ये एक मिनट की क्रिया करनी थी उन्होंने, और फिर उनका नतीजा देखा गया। उनको बोला गया कि आप एक मिनट की क्रिया दिन बीच में भी आपको जब भी करना है वो कर सकते हैं, कम से कम 2 बार और 3 बार 4 बार भी आप कर सकते हैं। तो ये देखा गया कि उनमें से 60% लोगों का, यानी 500 में से 300 लोगों को जिनको बाईपास सर्जरी रिकमेंड किया था डॉक्टर ने, ऐसे ही वो 500 लोग थे जिनको बाईपास सर्जरी या एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी एडवाइस किया था, उन लोगों का एंजियोप्लास्टी या उनका बाईपास जो है वो बाईपास हो गया। ओके, ये बेसिकली जो है हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, आपको मालूम होगा शायद, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पहला है मूलाधार चक्र जो एनर्जी का है, फिर होता है स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के नीचे होता है, और फिर नाभि के ऊपर होता है अनाहत चक्र जो पेट की स्थिति में होती है, उसके बाद हार्ट चक्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, मणिपुर चक्र, और नाभि के ऊपर होता है, और ये अनाहत चक्र होता है, और इसके बाद इधर स्वाधिष्ठान चक्र होता है, ईश्वर चक्र होता है, और इधर अज्ञान चक्र, और इधर सहस्त्रार चक्र। ओके, वेरी गुड। वापस, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, तेरा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञान चक्र और सहस्रार चक्र। ये अलग अलग चक्रों
ऐसी जगह ऐसे कुछ फिजिकली नहीं होते, लेकिन इनको समझा गया है और कुछ हमारे जो ग्लैंड्स है उनके साथ में ना उनको जोड़ा गया है। आज के जो हमारे सुविद्य जो लेक्चर थे, हमारे जो आज स्पीकर थे प्रेम निर्मल, वो ये चक्रों को कैसे देखना ये भी सिखाते हैं। कैसे तो ये ऐसे अब तक माना जाता था कि ये चक्रों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन उनके प्रोग्राम्स में वो सिखाते हैं। मैंने नहीं सीखा है वो, लेकिन मैंने ये सीखा है कि अलग अलग चक्रों को कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और वो अलग अलग चक्र एक्टिवेट करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं ये मैंने जाना है। तो जितना अपना चक्र है ऊपर यानी अपने एक्टिवेशन ज़्यादा होता है, तो वैसे हमारी प्रगति आध्यात्मिक प्रगति है वो बढ़ती जाती है। नॉर्मली सभी लोग जो है वो मूलाधार चक्र में ही होते हैं, यानी उधर ही एक्टिवेशन होता है। वो लोग अपने रोजी के लिए काम करते हैं, यानी उनका बहुत बेसिक नीड्स भी उनकी पूरी नहीं होती है, वो सेक्स और बेसिक चीज़ों के बीच में ही वो अटकते रहते हैं। उसके बाद में स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके भी कुछ ये है, वो भी बहुत लालच या बहुत ही सेक्स ओरिएंटेड ऐसा उसका रहता है। मणिपुर चक्र जो है, ये जिन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं होता है उनका मणिपुर चक्र में कोई प्रॉब्लम है। हार्ट चक्र, जो लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, यानी या हार्ट टू हार्ट जो अपने एक्सप्रेशन जो है हार्ट से जो है, वो हार्ट का चक्र ओपन होने से आप सबको एक अपने साथ में लेके जा सकते हैं, किसी को भी अपना सकते हैं, इस तरीके से हार्ट चक्र ओपन होने से होता है। जब आप विशुद्ध चक्र को ओपन करते हैं तो आपकी जो गाने की या अपनी बात करने की लोगों को अपनी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, वो बहुत पावरफुली व्यक्त करने की हमारी क्षमता जो है वो बढ़ती है। और फिर ये आज्ञा चक्र है, उसको शुद्धिकरण करने से, उनको एक्टिवेशन करने से हमारे जो इंट्यूटिव पावर्स हैं वो बढ़ते हैं। ये थर्ड आय है, इसको बोलते हैं थर्ड आय। तो हम जो दो आंखों से देखते हैं उसके सिवा जो थर्ड आय ये जागृत होता है, तो आपकी ये सिक्स सेंस जो है वो आपका जागृत होता है, सेंसिटिविटी बढ़ती है, और नेचुरली आपको आगे क्या होने वाला है ये भी आपको समझ में आता है, आपके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है ये भी आपको पता चलता है। और सहस्रार चक्र है, बहुत ही टॉपमोस्ट होता है, इससे हमारे पूरे चक्र में से ऊर्जा हमारे अंदर आती है। यदि आपने देखी किया है तो ये सहस्रार चक्र को खोल के वो आपको विद्या देते हैं, तो इस तरीके से वो उनका इनिशिएशन होता है। तो अभी हम आपको डायरेक्टली जो चक्र बताएंगे, हार्ट चक्र को कैसे ओपन करना ये हम देखेंगे, और ये मेडिटेशन में करके पहले करके दिखाऊंगा, बाद में आप कर सकते हैं। मेडिटेशन ये एक क्रिया है, ओके, इसको यही ट्यून्स में, लेकिन ये बहुत फास्ट ट्यून होगा। एक मिनट में 36 बार श्वास लेना है। जो उनको हार्ट अटैक ऑलरेडी आके गया है या जो लोगों को ये स्पीड में वो ब्रीदिंग नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा स्लो करेंगे तो भी चलेगा। इसमें बहुत बहुत तेजी से हमें श्वास-श्वास करना है, ओके। अभी ये जो स्पीड है ये हम देखते हैं कैसा स्पीड है। पहले आपका हाथ जो है वो अपने लेफ्ट चक्र पे रखिए, लेफ्ट हैंड में इशू कोई भी चले, लेफ्ट हैंड नीचे रखिए, राइट हैंड, ओके। और इधर आपका जो हाथ चक्र है अनाज चक्र को इधर है, इधर आप देखेंगे इधर एक गैप गैप है, यानी अंदर खड्डा है, खड्डा है, ओके। तो खड्डा है ना, उधर ये जो है ये अनाज चक्र इधर होता है, उसके ऊपर आप अपना लेफ्ट हाथ रखिए, उसके ऊपर राइट हाथ रखिए, और जब भी ये श्वास लेने का है, जब ये ऊपर जाता है म्यूजिक, तो
और इसके लिए जो भी हार्ट पेशेंट लोग हैं उनको यदि इस तरीके से इतना ब्रीथिंग फास्ट नहीं होता है तो कम करेंगे तो स्लोली करेंगे तो भी चलेगा चलेगा, लेकिन आप आंखें बंद करके पूरा श्वास लेना है और थोड़ा श्वास छोड़ना है। जब भी मैं स्टॉप कहूँगा तो आपको स्टॉप करना है, मैं 36 ये कहूँगा, एक मिनट में 36 बार ये होगा और एक ही मिनट आपको करना है और कुछ नहीं। ओके, हाँ छाती में श्वास करना है, छाती आगे करिए, छाती आगे आना चाहिए, छाती आगे आनी चाहिए, बस स्टॉप। ओके, आंखें बंद करके करेंगे, आपको देखने की जरूरत है, सबको पता चला है क्या करना है। ओके, छाती आगे आनी चाहिए, ये जरूरी है। ओके, मैं काउंट करूंगा तो आप उसके साथ में करना शुरू कर दीजिए। छाती पर हाथ रख दीजिए, आंखें बंद करके चश्मा उतार के रखिए, कोई भी चीज आपने यदि रखी है आपके लैब पे या कुछ भी जरूरत चीज है वो बाजू में रख दीजिए। आराम से बैठिए, हाथ जो है वो नीचे नहीं छोड़िए, बराबर सीधा रखिए, ऐसे नीचे नहीं छोड़िए, हाथ ऐसे एंगल में बराबर पूरा सीधा रखिए, ऐसे नहीं छोड़िए, हाथ सीधा रखिए कुमार जी, ऐसे हाथ। ओके, सब तैयार है, आंखें बंद, 1 2 3 एक दूसरे की परमात्मा है, अपने आंखों पर रखिए और फिर आंखें खोलिए। जब भी आप क्रिया से या मेडिटेशन से बाहर आते हैं तो आप इस तरीके से आपकी फिंगर्स नहीं आपकी पाम्स आपकी आंखों पर रखना होगा। ओके ओके, एनीबडी वुड लाइक टू शेयर मी एक्सपीरियंस, क्या हो रहा है जब भी आप शांत थे आपको क्या लग रहा है? हार्ट में अपने संवेदना ज्यादा अनुभव की, ब्लड का सर्कुलेशन एकदम बहुत फास्ट हो जाता है, फास्ट हो गया है, वेरी गुड। और ये जो हार्ट को पूरा सप्लाई अच्छा से होता है, यदि किधर ब्लॉकेजेस है तो वो भी निकलना शुरू हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक कंपन होता है, कंपन होता है, करेक्ट, बिल्कुल, ये जो है ये एरिया में कंपन होता है और ये बहुत अच्छा क्रिया है। आप ये किया आज से कर सकते हैं, किस स्पीड में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अभी मेरे पास इसका सीडी का कॉपी नहीं है, देख सकते हैं, यदि आपको चाहिए तो नेक्स्ट टाइम जिनको चाहिए उनको हम कॉपी करके इसको दे देंगे, और या आप बीच में कभी दे सकते हैं, नेक्स्ट वेन्सडे को आप नाम लीजिए तो मैं आपको इसका कॉपी दे दूंगा जिसमें दोनों भी ट्रैक्स में ये लिखा है। अच्छा, मैं अभी आपको और एक ध्यान सिखाता हूँ जो है हमारे जो मणिपुर चक्र है पेट के बारे में, जिनको भी डायबिटीज है उनका डायबिटीज भी चले जाने का पॉसिबिलिटी से होता है, लीवर की जो भी किसी को प्रॉब्लम्स है उनसे बाहर आने के लिए पॉसिबिलिटी है, यदि किसी को एडिक्शन है ड्रग एडिक्शन या दारू का व्यसन है तो ये क्रिया वो करेंगे तो उससे वो बाहर आएंगे कुछ एक हफ्ते के बाद तो थोड़ी थोड़ी कम होते जाएगा और 3-4 हफ्तों के बाद में ये पॉसिबल है कि
दे भी नहीं पाएंगे, वो खुद पे खुद अपने आप छोड़ जाएंगे। इस तरीके से कि जो लीवर को और पेट को या जिनको प्रॉब्लम है, अपने पचन का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, साफ नहीं होता है पेट, उनके लिए भी ये अच्छा है। तो ये सभी लोग कर सकते हैं। इसमें ऐसे इसी तरीके से हमें सिर्फ अपने पेट के ऊपर हाथ रखना है। अभी ये जो नाभि है, नाभि से थोड़ा सा ऊपर, ये अपना जो ये देखिए, ये जो हाथ का तलवा है, ये नाभि के ऊपर इधर, ये नाभि से इधर टच, यू नो, नाभि के थोड़ा सा ऊपर, नाभि के ऊपर, नाभि के ऊपर नहीं रखना, नाभि से थोड़ा सा ऊपर, नाभि के ऊपर नहीं, नाभि से ऊपर थोड़ा सा, है ना, ये इधर नाभि है, तो इसका इधर से टच करके आपको, और लेफ्ट हाथ रखिए, लेफ्ट हाथ के ऊपर राइट हाथ रखिए। और अभी हम इसी तरीके से हम पेट को श्वास लें, जैसे हमने छाती को किया वैसे करके दिखाता हूँ, बाद में आप करिए, अभी आप नहीं करिए, मैं एक बार ये करके दिखाता हूँ थोड़ा टाइम के लिए। आप जब श्वास ले रहे हैं तो बाहर आना चाहिए, और जब भी श्वास छोड़ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा प्रेशर से अंदर दबाना। ओके, आपने देखा इसी तरीके से आपको करना है। जस्ट नाभि की जस्ट ऊपर, नाभि के एकदम ऊपर नहीं, नाभि इधर है तो जस्ट नाभि इधर, तो उसको जस्ट चिपक के उसके अटैच का, जस्ट नाभि के इधर आप रखिए, और उसके ऊपर अपना हाथ का तलवा रखिए। ओके, थोड़ा सा में रखा है, हम जब भी बोलेंगे 36 बार ये करेंगे। आंखें बंद करिए, सब तैयार हो गए हैं। आंखें बंद, आपके लिए तो बहुत फायदेमंद है। जिनको भी डायबिटीज है उनका डायबिटीज इससे चला जा सकता है, क्योंकि लीवर को और पैंक्रियास को एक्टिवेशन इससे होता है। आंखें बंद, चश्मा उतार के रखिए, आंखें बंद, 1, 2, 3। शरीर में क्या हो रहा है वो देखिए, जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जो भी कंपन आपके शरीर में हो रहे हैं,
उनका अनुभव करिए और किधर हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसका अनुभव करिए। रखिए अपने हाथ, हाथों का तलवा अपनी आंखों पर रखिए और आहिस्ता से अपनी आंखें खोलिए। हाथ की ऊर्जा अपनी आंखों में जाने दीजिए। Keep your palms over your eyes और फिर अपने हाथों से अपने चेहरे को मसाज करिए और अपने पूरे शरीर को, जिधर भी आपको पहुँचना है पूरे शरीर को अपने हाथों से पाम्स से मसाज करिए। ओके, तो आपको इधर वाइब्रेशंस तो पूरी गए होंगे। ओके, अभी हम और एक क्रिया सीखते हैं। ये 25 HP क्रिया उन्होंने जब लास्ट टाइम इधर आए थे प्रेमचंद जी, उन्होंने ये सिखाया था। इसको हम इधर करेंगे वापस इधर, और जो लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए भी ये फायदे से होगा। जो लोगों ने सीखा है वो लोग भी उसको प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम यही स्पीड में हम ब्रीदिंग करेंगे, लेकिन इसमें जो आपका फिफ्थ जो ब्रीद आउट होगा वो ज़्यादा गहरा होगा, यानी पहले पहले जो चार श्वास है वो कैसे लेंगे, नाक से ही लेंगे, नाक से ही छोड़ देंगे। 3:2 रेशो में हम उनको लेंगे। पांचवा जो श्वास है उच्छ्वास है वो हम पूरे फोर्स के साथ में, यानी बहुत शांति से लेंगे और शांति से छोड़ेंगे, और कंठ से लेंगे और कंठ से छोड़ेंगे। ये 25 HP क्रिया है। इस तरीके से ये 5 cycles हम रिपीट करेंगे। ओके, पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसका जो पांचवा होगा उसके साथ हमें रहने की जरूरत
पांचवा जो श्वास है वो आहिस्ता से लेंगे। ओके समझ में, वापस कर रहे हैं प्रैक्टिस, एक बार वापस प्रैक्टिस करते हैं, बाद में हम ट्वेंटी फाइव बार वो करेंगे। ओके एक बार वापस करेंगे, मैं एक दो तीन चार कहूंगा, पांचवें समय मैं उसको ऑफ करूंगा, लेकिन आप उसको पूरा श्वास देंगे और श्वास छोड़ते समय कंठ से आप आवाज करके पूरे गहराई में पूरा छोड़ेंगे। ओके रेडी, हम अभी दो बार कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने एक ही बार किया, इसको दो बार कर रहे हैं, एक बार ये पाठ का साइकिल हो गया, उसके बाद वापस एक बोलूंगा तो वापस आपको उसी साइकिल में एक दो तीन चार होना है और पांचवा श्वास जो है वो वापस आपको गहरा लेना है और गहरा छोड़ना है। यू इज रेडी? ओके दो बार करेंगे, बाद में नेक्स्ट टाइम हम 25 एचपी क्लियर करेंगे पूरा। स्टार्ट, एक दो तीन। करेंगे इसको और तीन बार वापस, एक दो तीन चार। और एक बार मसाज करिए और अपनी आंखों पर अपने हाथ के तलवे रखिए, आंखें बंद रखिए, आहिस्ता से खोलिए, अपने हाथों की ऊर्जा अपनी आंखों को देखिए और आहिस्ता से अपने पूरे चेहरे पर ये मसाज करिए। कैसे लगा ये 25 फीलिंग ब्रीथिंग है, ये जो अभी हमने किया, यानी ये पांच 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 का साइकिल हमने किया, ये 25 एचपी है। ओके हाउ आर यू फीलिंग, यू विल लाइक टू शेयर, अभी आपको कैसे मन की स्थिति कैसे हो गई है? हां विचार रहित हो गए हैं, कितने लोगों का अभी ये स्थिति का अनुभव हुआ, विचार रहित रहने का अनुभव कितने लोगों को हुआ? जब आप ये क्रिया किया उसके बाद में कोई भी विचार मन में नहीं आए बहुत सारे कुछ समय के लिए, ओके तो ये स्थिति में आप जा सकते हैं और ये बहुत ही प्यूरिफाइंग किया है, इससे भी हमारे जो चक्र हैं वो खुलते हैं। ओके तो इसी के साथ में आज हम ये जो सीखे हैं ये क्रिया है ये हमेशा आप खाने के बाद दो घंटे के बाद कर सकते हैं, या यानी खाली पेट करना है हो सके उतना, ये क्रिया जो है वो खाली पेट करना आपके लिए अच्छा है, ये आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ ऑलमोस्ट दो तीन महीने से और मुझे इसका बहुत ही अच्छा फायदा हो रहा है,
ये भी एक तरीके का मेडिटेशन में हमें लेके जाते हैं। ये जो पिंडी का एक्सपीरियंस किया है इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आगे देखेंगे आप और इसी आगे की जो बाकी क्रिया है वो भी हम जानेंगे। लेकिन आज जो आपको कहा है तो वो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, यानी आपको यदि हार्ट का करना है तो आप करिए, या आपको पेट करना है वो करिए, या तीनों भी एक साथ में आप कर सकते हैं, 25 भी है वो आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप करते जाएंगे तो नेचुरली आपके चक्र जो है वो ओपन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन निश्चित रूप से बढ़ेगा, आपका मन जो है वो बहुत शांत और बैलेंस रहेगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और मेडिटेशन में जाने के लिए भी आपको बहुत इसका फायदा और सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से आज वेरी सॉरी आज तो हमारे प्रेम जिंदल जी आने वाले थे वो आज नहीं आ पाए, ये ट्रैफिक में ऐसे सिवाने वाले थे, तो नेचुरली उनका जो लेक्चर हमने आज रखा था वो और किसी समय हम जरूर रखेंगे, उनको बुलाएंगे। अभी नेक्स्ट बुधवार भी ऐसे ही एक बहुत ही पावरफुल सुंदर टॉपिक को हम लेके आ रहे हैं, और वो धीरू भाई जन करके वो टॉपिक है, कैसे हम अपने आप को कैसे हम अलग तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ये हमारे जो साधक हैं वो हमें सिखाने वाले हैं। तो हम सभी बोर्ड जो भी लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनकी माइकी के लिए ये इधर चलता रहता है, और जो भी आप सब्सक्राइब किए हैं लिंक किए हैं आप हर समय इधर आ सकते हैं, अच्छे अच्छे स्पीकर्स इधर आते हैं और कुछ ना कुछ आपके जीवन के लिए बहुत पावरफुल आपको जरूर मिलता है, और ये एसएसवाई नॉन एसएसवाई सभी लोगों के लिए खुला है। जिन्होंने एसएसवाई किया है लेकिन रिट्रीट नहीं किया है, या साइलेंस कैंप 1 या साइलेंस कैंप 2 नहीं किया है, तो उनके लिए मौका है, आप आ सकते हैं नेक्स्ट फ्राइडे टू संडे, हमारा जो रिट्रीट और साइलेंस कैंप 1 साइलेंस कैंप 2 है उसके लिए जरूर आ सकती है। जिन्होंने साइलेंस कैंप किया या नहीं किया भाव समाज चैन जो अपना एडिशनल आगे का प्रोग्राम है उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, अपना होमवर्क अपने जीवन की ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू कर दीजिए, इट्स वेरी वेरी पावरफुल मोस्ट पावरफुल प्रोग्राम भाव समाज चैन। बाकी आपको आज जो प्रोग्राम जो जरूरी प्रोग्राम से आपको सब पता है वो आप जरूर ले सकते हैं, या हमारे गुरु जी ऋषि प्रभाकर जी आने वाले संडे को इधर आने वाले सुबह 9 से 2 उनका इधर के कन्वेंशन सेंटर में लेक्चर है रिस्पेक्ट टू बिजनेस, और वो स्पेशली वो हमारा जो दूसरा एक प्रोग्राम चलता है प्रोफेशनल इंसाइट करके, जो हमारे बिजनेस जो है वो 100 times एफर्टलेसली कैसे बढ़ाना वो राज उसमें हम शेयर करते हैं। तो वो प्रोग्राम की जो हमारे पाई क्लब प्रोफेशनल इंसाइट की जो लोगों ने प्रोग्राम किया है उनकी क्लब उनका एक क्लब है उन लोगों के लिए वो प्रोग्राम स्पेशली रखा है, लेकिन मैं आपको भी इन्वाइट करता हूँ यदि आप भी जाना चाहते हैं तो उधर आप जरूर आ सकते हैं, 1000 rupees हैं तो उसके साथ ही जो अमाउंट है वो हमारे जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए वो जाता है, तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ इस प्रेजेंस ऑल्सो, साल में एक ही बार वो आते हैं, ऑफकोर्स रिट्रीट साइलेंस कैंप में भी वो उनका दर्शन हमें होने का पॉसिबिलिटी है क्योंकि उसी समय वो हमारे देवी के आश्रम में भी होने वाले हैं, आश्रम में भी वो साल में एक ही बार आते हैं और या कभी कभी दो दो तीन साल भी आना नहीं होता, लकीली हम जब इस साइलेंस कैंप को जा रहे हैं उसी समय गुरु जी भी उधर है तो उनका दर्शन होने का भी लाभ होने का भी हमें पॉसिबिलिटी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ऑफकोर्स साइलेंस कैंप के लिए हम सिर्फ 20 ही लोगों को ले सकते हैं ये टाइम, तो आप अपने नाम जरूर दर्ज कर दीजिए बाहर काउंटर पे सो दैट आप उसका लाभ ले सकते हैं। ऑफकोर्स साइलेंस कैंप आने के लिए रिपीट पूरा करना जरूरी है, रिपीट को आने के लिए इससे सब पूरा करना जरूरी है। ओके, तो हम प्रार्थना करते हैं और आज हम जल्दी छोड़ रहे हैं सो दैट आप लोगों को जाने के लिए सुविधा हो, बाहर अंदर प्रसाद है तो आप जरूर ले सकते हैं, इससे सब क्लास के जो लोग हैं उनके लिए शायद सेपरेट काउंटर होगा, तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ योर प्रॉफिट्स। प्रार्थना करते हैं। हाँ, तो जो हमने लास्ट में से एक नया प्रक्रिया शुरू किया था, जो भी लोग अन्न प्रसाद इधर जो हर बुधवार को हर सोमवार को इधर अन्न प्रसाद होता है तो उसके लिए आप जो भी कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं ये हर बुधवार को चलता रहता है, तो आपके तरफ से 1 रुपया हो या 10 रुपया हो या जो भी हो आप उसके लिए आपकी तरफ से दे सकते हैं,
ये मैं इस तरह क्लास के लिए लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी लोगों के लिए मैं स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से दीजिए, सो दैट हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स और अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे स्पीकर्स को बुला के और फॉर्मल प्रोग्राम्स हम करना चाहते हैं, आपको और भी अच्छा सुविधाएँ और खाना वो सब अच्छे से अच्छे देना चाहते हैं, इसलिए आप यदि सपोर्ट करेंगे तो हम हमारा भी उत्साह और जाएगा। जय गुरुदेव, प्रार्थना करते हैं। जिनको जो भी जरूरत है सपोर्ट की, मदद की, उनको ये सपोर्ट मदद मिल रहा है। शहर की सुव्यवस्था सुरक्षितता बढ़ती जा रही है, सबके मन शांत हो रहे हैं, सब लोग अपने काम पर कल से पूरे 100% अच्छे तरीके से जा रहे हैं। सभी की सभी एक्टिविटीज जो भी जिधर जाना चाहते हैं उस तरीके से पूरी एक्टिविटीज शहर में कल से चालू हो गई है। शहर के सभी साधन सुरक्षित है। जिनको भी जरूरत है, जो कोई अटक है उनको मदद मिल रही है। Thank you.